हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये वीडियो हम लोग शाम का टाइम है और ये कल का वीडियो है, जब हम लोग शाम के करीब 8-8:30 बजे का जब मैं खाना बना चुकी थी। तो ये आए हुए थे, काफ़ी दिन से निकले नहीं थे, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे घर में रह कर, और सामान इतना फैला है कि बच्चे वहाँ भी सही से रह नहीं पा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा इन लोगों को लेकर आए हैं बाहर। तो ये यहाँ पे है क्लॉक टावर्स, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टॉल वगैरह लगती हैं, मेला टाइप का लगता है। तो बस यहीं आए हैं और ये रो रही हैं क्योंकि इनको ये गाड़ी पे बैठना है, ये बच्चों वाली जो गाड़ियाँ हैं देख रहे हैं आप सब। तो ये 15 रुपये 1 चाइल्ड का है, मतलब 2 बच्चों का 30 रुपीज़ है। तो बस यहीं पे इनको बिठाने के लिए लाए हैं और थोड़ा सा ये लोग घूम फिर लेंगे, फिर इसके बाद फिर इनके पापा जाएंगे चाय पीने के लिए अपनी पेट जगह पे। तो यहाँ पर सूर्यांशी मना कर रही हैं, कह रही हैं मुझे नहीं बैठना है, और वो पापा के साथ भुट्टा खा रही हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, बारिश के टाइम पर भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये शाम के टाइम ऐसे ही भीड़ रहती है, लेकिन कल से यहाँ पर शायद बंद हो जाएगा, कल से शायद यहाँ पर कुछ शुरू होने वाला है प्रोग्राम। तो बस इसीलिए आज हम लोगों ने कहा चलो घुमा देते हैं। तो ये गाड़ी है और सुपूर्ति को देखते हैं, जो पसंद आएगी उसको उसी पे बिठा देंगे। तो यहाँ पे ये हमसे कह रहे थे बार बार भुट्टे खा लो भुट्टे खा लो, इनको बहुत पसंद है और सूर्यांशी को भी, और भुट्टे अच्छे भी लगते हैं। वैसे थोड़ा बहुत मैं टेस्ट कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं पेट वेट में दर्द हो गया। बारिश का टाइम है, हर चीज़ बच करके और रहना चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम में कुछ भी नुकसान कर जाता है, पेट बहुत सेंसिटिव हो जाता है और बैक्टीरियाज जो होते हैं खाने पीने वाली चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए हम पूर्ति को झूला झूला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखी ये गाड़ी इनको पसंद आई है रेड कलर की, तो बस इसी में बैठने जा रही हैं, और रेड कलर की फ़्रॉक भी पहनी है मैचिंग, तो बस वो इन्जॉय करने जा रही हैं। तो चलिए इनको इन्जॉय करा के एक राउंड लगवा के लाते हैं। तो सूर्यांशी और पापा उनके वहाँ पे खड़े हैं और मैं इसके साथ साथ आई हूँ, क्योंकि अंधेरा भी है और डर लगता है मुझे किसी भी अनजान के साथ बच्चे को अकेले भेजने में। तो बस ये यहाँ पे राउंड लगा देंगे, काफ़ी दूर तक ले गए थे भैया ये, तो इन्होंने 20 रुपीज़ लिया था पर चाइल्ड का। तो यहाँ पर मैंने बिठा दिया था इनको और यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं। तो ये देखिए छोटा सा राउंड था लेकिन बहुत ही मज़ा आया, पूर्ति को बहुत खुश हो गई हैं इतने में, बहुत रो रही थी मुझे जाना है गाड़ी पे। तो बस यहाँ पे ये भी 1 से 2 भुट्टे खा चुके हैं, और यहाँ पे ये जो भुट्टे बेच रही थी समझ नहीं आ रहा था ये बेच रही हैं या बेच रहा है, मतलब जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोगों ने भुट्टा फिर इन्हीं से लिया था, हमने कहा जो भी है तो इंसान ही, और बड़ी मेहनत कर रही थी वो, तो उनको एक्स्ट्रा भी दिया इन्होंने, और यहाँ पे 1-2 भुट्टे खाए इन्होंने। और उसके बाद फिर हम लोग देखे, हम तो घर के ही कपड़ों में चले आए हैं, यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा निकलने का, हम कह रहे थे बच्चों को ले जाइए, तो कह रहे थे हम अकेले नहीं ले जाएंगे। और यहाँ पे छोटी मोटी देखिए टॉयज की दुकानें भी लगी हैं, तो बच्चे खुश हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ ख़रीदना होगा तो वो भी ख़रीद लेंगे। तो बस यहाँ पे ये देखिए ये फ्लावर पॉट वाली जो शॉप थी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे हर चीज़ 50 रुपये के 2 पीस थे, मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं, बहुत ही क्यूट था। और ये एक बॉटल थी जिसमें लाइटिंग अंदर थी, और इसको टांग सकते हैं आप कहीं भी लगा करके, स्विच दिया हुआ था, और ये फ्लावर्स तो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन अभी घर इतना फैला है कहाँ लेकर रखेंगे, इसलिए नहीं लिया है हमने। जब मैं आगे देखूंगी अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर लूंगी, क्योंकि मुझे अभी नीचे इनके ऑफ़िस के लिए भी ऑफ़िस बनाना है, तो उसके लिए भी फ्लावर वगैरह चाहिए, लेकिन वो बड़े वाले स्टैंड चाहिए 2 ठो। तो मैं देखूंगी बाद में करूंगी शॉपिंग, पहले घर तो सेटल हो जाए, घर तो सही से रिपेयर हो जाए, वाइट वॉश हो जाए, फिर ये सब चीज़ें मैं खरीदूंगी। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, आप खुद ही देखते कितने इकोनॉमिकल रेट में मिल रहे थे, और इन्होंने फिर 1 भुट्टा लिया है और बार बार मुझसे कह रहे हैं थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो। तो हमने कहा चलो मैं खा लेती हूँ,
मीठा था भुट्टा, काफ़ी अच्छा था। और पूर्ति देखिए आप चुप हुई है, जब इनको झूला अच्छे से, मतलब इनका जो गाड़ी थी अच्छे से राइड दिला दी तब। और यहाँ पे बिक रही थी ये रंग बिरंगी हरी हरी चूड़ियाँ, तो मैंने अभी ख़रीदी भी नहीं थी, तो मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने यहाँ से ले ली हैं चूड़ियाँ। तो चलिए लेते हैं, देखते हैं कैसी हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना चूड़ियाँ, बहुत ही अच्छी लग रही थी यहाँ पर ये चूड़ियाँ सारी। तो मैं यहीं से लेती हूँ चूड़ियाँ, ले लूँगी। तो मैं बस यहाँ पे देख रही थी, तो मुझे ग्रीन कलर की ही लेनी थी, मेरे पास और थी भी, मैं मरून कलर की जिसमें की पहनी हूँ इसी की ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मुझे चाहिए थी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इनकी दुकान पे मैं ले तो रही थी, लेकिन इनकी दुकान पे मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। और मुझे ये वाली चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, जो ये होती हैं, ये रेशम वाली चूड़ियाँ कहलाती हैं शायद। इनकी जो चमक होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे रेड हो, चाहे मरून हो, चाहे जो ग्रीन हो, मुझे ये चूड़ियाँ बहुत पसंद है। तो ये मरून कलर की तो मैं पहनी थी, मैंने अपना साइज़ दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि साइज़ नहीं था, यहाँ पर साइज़ नहीं था और चूड़ियाँ काफ़ी हल्की लग रही थी। तो इन्हीं के एक तो और शॉप आगे लगी हुई है, थोड़े दो कदम आगे इनकी भाई आई कोई बेच रहे हैं, तो बोला भैया से ले लीजिए जाके, वहाँ पे बगल में है, साइज़ है उनके पास। तो यहाँ से देखने के बाद फिर मैंने जो है फिर काफ़ी कोशिश करी, मैंने और चीज़ों को भी देखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। और यहीं पे इनका फ़ोन भी नीचे गिर गया था, तो मूड अपसेट हो गया था काफ़ी। सूर्यांशी वीडियो शूट कर रही थी और इन्होंने पटाख से छोड़ दिया, और अभी इसमें पानी चला गया था, तो वैसे भी इसको सही कराना पड़ा था। तो यहाँ से देखिए मैंने ले लिए चूड़ियाँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।